ଆଜି ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲଭୈର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ମୋଦି। ଏହାପରେ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈଠକ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 11:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 12 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 8 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 36 ଜଣ VIPB ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ। କାଶୀରେ 6 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 5000 ମହିଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣସୀ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନ୍ 1 ଏଠାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। इससे पहले हल्दी डाल करके जल से उसको अभ्यंग स्नान बोलते हैं, मांगलिक स्नान बोलते हैं। उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर मधु से, फिर शर्करा मिश्रित जल से चीनी डाल करके पूरा उसको पंचामृत से स्नान कराया। फिर उसके बाद गंधव उदक से स्नान कराया। फिर गंगा का नामावली लेकर के अर्चन किया। फिर उसको धूप दीप और आरती दिखाया, गंगा को नमस्कार करके पूजन समाप्त किया। आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं, तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का, अभी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्त रस्तों ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर्व सब्जी का विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया। ये गंगा जी का सामान्य पूजा षोडशोपचार पूजा कहते हैं, उसमें जो है कि कलयुग में गंगा जी का जो है महत्व है, उसको उद्देश्य करते हुए कि हम लोग का एक आचरण बनता है कि गंगा जी की पूजा कोई भी कार्य करते समय शुरुआत में करें, और उसी को संकल्प करते हुए देश के विजय के लिए, अपनी विजय के लिए, देश की समृद्धि के लिए संकल्प करके इस पूजा को हम लोग किए हैं, जो कि आगामी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से उनका कार्यकाल चले, अच्छा चले, देश की सेवा करें, विश्व में हमारे भारत का नाम हो, ये हम लोग का उद्देश्य है, सभी का होना चाहिए। साधारण पूजा है, सब कोई विशेष नहीं है। संकल्प जो है जिस कारण से जो करता है अपना संकल्प लेता है, उस हिसाब से हम लोग सर्व क्षेमविद्यर्थम, सर्व जो है कि देश का हो, विदेशों का हो, पूरे भूमंड का, सबका उद्देश्य हो, ऐसा हम लोग संकल्प करके उस पूजा को करते हैं। प्रेम प्रधानमंत्री जी का पूरे दक्षिण, पूरे भारत के प्रति नहीं, जो दक्षिण भारत के प्रति भी उनका स्नेह है, वो हम लोग सभी जो दक्षिणवासी है बहुत ही प्रसन्न है। और आज उसी क्रम में आज यहाँ पर आज गंगा सप्तमी के शुभ दिन पर मां नामांकन के पूर्व उन्होंने संकल्प लेके पूरे भारतवर्ष के लिए भारत की ऐश्वर्य आरोग्यता, सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये संकल्प लेके उन्होंने मां गंगा का षोडशोपचार जो पूजन बताया गया है उस विधि विधान से उन्होंने पूजन किया। उन्होंने मां से यही प्रार्थना किया, क्योंकि कलौ गंगैव केवलम, कली में प्रत्यक्ष माँ कोई है तो देवी गंगा है। उन्होंने आज नामांकन के पूर्व माँ गंगा से यही प्रार्थना किया, जिस कार्य को लेकर हम निकले हैं वो फिर पूर्ण करने का हमको आशीर्वाद दे, भारत का हम रक्षा कर सके, भारत की ऐश्वर्य समृद्धि सबके लिए। ये पहली बार गंगा पूजा उन्होंने नहीं किया है, वो जितने बार भी काशी आए हैं उन्होंने गंगा पूजन पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब ये जो योग रहा है ये बहुत बड़ा, इस बार का जो योग है ये अगले 3 बार तक उनको प्रधानमंत्री बनाने का योग है। गंगा माता को प्रार्थना करके भगीरथ ने लेके आया था कि विजयी के लिए, किस लिए, किस प्रकार का विजय, उनके पितर लोग उद्धार नहीं हो रहे थे, उनके कई कष्ट थे, सभी कष्टों का निवारण करने के लिए किन्हीं महान ने बोला, ऋषि मुनि कि गंगा में स्नान करो बेटा, उसके बाद कोई भी कार्य करो तुम विजयी हो गए। तो इस प्रकार भगीरथ ने तपस्या करके गंगा माता को कई हजारों साल बाद जब तैयार हुई आने के लिए, पहले तो तैयार नहीं हो रही थी आने के लिए, नहीं आएंगे भूमि में कौन जाएगा, मर्त्यलोक में कौन जाएगा, इस तरह उन्होंने तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उनको जोर दिया गया वो आए भूमि में, तो वो जो विजयी दिवस हुआ हमारा, तो इसी प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विजयी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भविष्य के लिए भी विजय पताका उनके लिए हर समय साथ में खड़ा हुआ है,
और गंगा माता का सदा उनके साथ आशीर्वाद रहा है। उसी लिए वो आज हम जो भारतवासी आज इतने श्रेयस्कर में इतने प्रचंड बहुमत के साथ जो मोदी जी और पुनः विजयी होने वाले हैं उसका साक्षात कारण गंगा माता है। पंडित जी आपने बताया कि पहली बार पूजा नहीं की। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।